नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। लोकसभा चुनाव है, नेताओं को अलग अलग इलाकों में राज्यों में सफेद लिबास में घूमते फिरते वादे करते हुए अपनी पार्टी के लिए अपने लिए वोट मांगते हुए आप देख रहे होंगे। लेकिन इधर आंध्र प्रदेश में सफेद लिबास में एक शख्सियत ट्रेन में घूम रही है, सफर कर रही है, पॉलिटिक्स की बात कर रही है, नेताओं की बात हो रही है, वोट भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन ये वोट अपने लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं, आपकी बेहतरी के लिए मांगे जा रहे हैं। वोट फॉर अ बेटर इंडिया का मैसेज लेकर श्री श्री रविशंकर जगह जगह घूम रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री श्री रविशंकर। चूंकि आंध्र प्रदेश की जमीन पर है, तो सबसे पहले जो क्राइसिस है उसी पर मैं बात करना चाहूंगी। आंध्र प्रदेश लोकसभा में पारित हो गया है तेलंगाना का बिल, सीएम ने रिजाइन कर लिया है, आप तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसी पर, क्योंकि बेहतर भारत को लेकर आप कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, ये जो हुआ है ये बहुत अनडेमोक्रेटिकली हुआ। इस तरह से लोगों का दिल दुखा के जो राज्य का विभाजन हुआ है, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ। इसको करने की तरीका थी, तरीका गलत है। ठीक है, छोटे छोटे राज्य में लोग रहना चाहते वो ठीक है, जबकि इसका कैपिटल तेलंगाना में ही है, आंध्र का कैपिटल तेलंगाना में ही। अब तेलंगाना का इतना विकास हुआ तो सभी लोग मिलके यहाँ पर अपना योगदान दिए इसके विकास के लिए। अब इतना विकास के बाद कह देंगे तुम लोग सब हट जाओ, ये हमको समझ में नहीं आता। वैसे एक्सपेंशनिज्म में हर स्टेट लगी रहते हैं। अब नागालैंड देखिए, वो ग्रेटर नागालैंड चाहते हैं, लोग चाहते हैं, और बड़ा हमारा प्रांत का हमारा विस्तार अधिकार क्षेत्र बढ़ता जाए, विस्तार होता जाए। यहाँ लोग कहते नहीं, इतना काट के इनको अलग कर दो, मैं हम अलग रहेंगे। इस तरह से अलगावाद का हमें कभी भी समर्थन नहीं देना चाहिए। हाँ, स्टेट अलग हो क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन में यदि दिक्कत आती हो तो। अब आंध्रा वाले मांगे हमको अलग स्टेट चाहिए ताकि हमको उतना दूर से हैदराबाद आने में मुश्किल है, ये कुछ मायने रखता है। मगर यहाँ के रहने वाले लोग बोले कि ये बाहर लोग इधर से बाहर निकले, ये वैसे फिर महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगा। कल वो लोग बोलेंगे जो महाराष्ट्रीय नहीं, वो यहाँ से मुंबई से हटके दूर जाए। हो भी गया है, गोरखालैंड की मांग एक बार फिर से तेजी पकड़ने लगी। हाँ, है विदर्भ आप देख लीजिए, कर्नाटक भी अब दो टुकड़े मांग रहा है, तो ऐसे कर्नाटक में तीन टुकड़े मांगे। कुर्गी लोग बोलेंगे हमको बेंगलोर नहीं जाना, हम अलग रहेंगे। मगर यहाँ की जो परिस्थिति बड़ी विचित्र है, यहाँ केंद्र राजधानी तेलंगाना में सभी कुछ यहाँ पर है। यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है इसको बढ़ावा देने के लिए और सबको स्वागत करने के लिए। अच्छा, 2010 में आप आए थे, आखिरी मर्तबा जब आए थे तब भी अलग अलग आपने इलाकों का दौरा किया था और तब भी ये चीज चल ही रही थी, सुसाइड्स बहुत हो रहे थे। अभी खुदा ना खास्ता अगर इस हालात पर पहुंच जाता है तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि हालात जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थोड़े सेंसिटिव होंगे। देखिए ठीक है, दो राज्य बनाने में हम कोई इतराज नहीं है, मगर इस तरह से जल्दीबाजी क्या है बनाने का, उसमें सियासी वोट बैंक का लाभ देखते हुए, सियासी फायदा देखते हुए करते है ना, ये गलत है। जनता की जरूरतों को देख के करे वो बात अलग है, फिर दोबारा सर्वे करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, हर गांव में हर घर में जाके फिर सर्वे करनी चाहिए। आपको नहीं लगता है बहुत देर हो चुकी है? अंधेर नहीं होना चाहिए, देर भले हो अभी भी लोग सचेत हो जाएं, फिर दोनों पक्षों की बात सुने। देखिए हमारे एक सिस्टम है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ की कुछ पारित कर दिया, अब हम उनको टुकराते हैं, माने एक एक इंस्टीट्यूशन को हमने सुनो उसका उसको तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। वो तो नहीं करना चाहिए, यदि लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी उस बात को मान लिया जाए, उनको बनवाया जाए, फिर ताकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, लेकिन श्रीषि आप जानते हैं दोनों बड़ी पार्टियां इसके फेवर में, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस, ये दुर्भाग्यपूर्ण भारत का दुर्भाग्य यही है कि कुछ दोनों पार्टी इस तरह से मिलके इस बात को कर लिया। आपने कहा कि कुरुक्षेत्र की बात आपने कई जगह छेड़ी, आपने कहा गीता का उद्भव हुआ था और आंध्र प्रदेश में भी यही हालात है। हाँ,
वही गीता माने वो हिम्मत देती है ना, समाधान। महात्मा गांधी हर रोज गीता लेके चलते थे जहां भी जाते थे, क्यों जगह पर भी मन में वो विश्वास टूटती है या कहीं पर लगता है कि मैं सफल नहीं हो रहा हूं, तो गीता सहारा हुआ करता था उनके लिए। तो जब जंग की समय है, लड़ाई चल रही है, उस वक्त गीता से हमें फिर वो उमंग जागती है, हुमस मिलती है, एक उत्साह बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी आधार बना वो। तो मैं यही कह रहा था कि जगह जगह कि आप लोग 100% मतदान दो, ये ना सोच के बैठो अरे सभी पार्टी सभी भ्रष्टाचारी है, सभी अत्याचारी है, हम क्यों करें। अच्छे लोग खासतौर से घर बैठ जाते हैं, हमको कुछ नहीं करना, उदास हो जाते हैं। लेकिन मुझे याद है जब, क्योंकि आप तो अन्ना के आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं, जब आपसे तब पूछा गया था जब अलग हुए थे, तब आपने कहा था अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए, 49 दिन तक वो रहे, उसके बाद दोबारा लौट गए। और फिर मैंने आपको सुना कि देखिए बच्चों को ड्राइवर सीट पर नहीं बिठाना चाहिए। हाँ सही बात है, देखिए जिसका अनुभव नहीं है अभी, बिगैर अनुभव के व्यक्ति को पूरा राज्य का आप चाबी सौंप देंगे, सीट पे बिठा देंगे, तो देश के प्रति न्याय नहीं होगा। इसलिए इसमें पहले से वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, स्टेट का कुछ तो अनुभव होना चाहिए। आप देखिए थोड़े से दिन में, 39 दिन में ही इतना सारा वो हो गया। यदि वो और कुछ समय रह के वहां पर, जो सचमुच में भ्रष्टाचारी हुए, वो 10-20 लोगों को अंदर करते, अपना शासन का जो एक मौका मिला दिल्ली में करने का, उसको हर मुसीबत के बीच में उसको जेल के आगे बढ़ते। देखिए आज कानून बहुत है, भ्रष्टाचार को दूर करना हो तो कानून की कमी नहीं है, कानून तो बहुत है। मुझे लगता है सिर्फ बहाना बना जन लोकपाल बिल, एक बहाना लेके निकलना चाहते थे ताकि उनको समय मिले सब जगह घूमे। आपको लगता है अन्ना के साथ धोखा हुआ, उन्हें इस्तेमाल किया गया और फिर वो तो अन्ना बोलेंगे, अन्ना जाने। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा मैच्योरिटी और चाहिए, मैच्योरिटी और चाहिए। बेटर इंडिया, बेहतर भारत की तस्वीर आप देखकर अलग अलग राज्यों में, इलाकों में जाना आपने शुरू कर दिया है लोगों को 100% वोट देने के लिए। श्री श्री रविशंकर के लिहाज से बेहतर इंडिया कौन बना सकता है? जहां पर पीपल पार्टिसिपेशन हो, मतलब जनता का भागीदारी हो समाज के हर पहलू में, नंबर वन। दूसरा देखिए, ऐसा नहीं सिर्फ कानून से देश में जो अत्याचार है भ्रष्टाचार चल रहा है ये बंद हो जाएगा, कानून से नहीं होगा। कानून तो दवा है जब बीमारी पकड़ जाती है, तो बीमारी को रोकने के लिए जो है वो ये कैरेक्टर बिल्डिंग चाहिए, एक जनता, आम जनता में वो संकल्प जगाना चाहिए। वही काम अपना कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं 1 घंटा दो तुम देश के लिए और कुछ करो, देश के लिए कुछ करो। तो ये प्रोत्साहन देने से फिर लोग कर पड़ते, चल पड़ते हैं उस रास्ते पर। अच्छा, क्या मैं श्री श्री रविशंकर से पूछ सकती हूँ कि बेहतर भारत का नेतृत्व करने के लिए आपको सबसे बेहतर तस्वीर किसमें नजर आती है? नरेंद्र मोदी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को तो आप वैसे ही रिजेक्ट करते हैं। देखिए बहुत से अच्छे नेता हमारे देश में हैं और होंगे, और युवा, बहुत से युवा है जो नेतृत्व ले सकते हैं देश की, और कौन करेंगे ये जनता के ऊपर है, वो तो हम नहीं बोलेंगे किसको वोट देना, ये तो मेरा बोलने का वो नहीं है। हमारा अपना एक कोड होते, कानून होते, नियम होते हैं, आध्यात्मिक लोग हम किसी एक पक्ष के नहीं होते। बाबा रामदेव तो पक्ष में आ गए हैं, वो तो मोदी के लिए झंडा बुलंद कर चुके हैं। वो ठीक है, उनका अलग है। तो हमारा, हमारे हिसाब से कोई पत्रकार हो या आध्यात्मिक गुरु हो या जज हो, इन सब का एक हैसियत होती है, इन सब का एक स्थान होता है, उस स्थान से वो सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ जरूर, जहाँ गलत है वहाँ गलती जरूर बताएंगे, ये गलत है ये सही नहीं है।
अच्छा वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया, वोट फॉर बेटर इंडिया, मोदी अपने भाषण के एंड में कहते हैं वोट फॉर इंडिया, श्री श्री रविशंकर ने अपने कैंपेन की शुरुआत की वोट फॉर बेटर इंडिया, कनेक्शन है? देखिए हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं, और किसी को इस या अच्छा लगे वो ले ले, तो हम थोड़ी ना सब पेटेंट करके बैठेंगे। हमने तो बहुत पहले से शुरू किया वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया, हमने शुरू किया अभी 1.5 साल पहले, तो उनको उसमें अच्छा लगा तो कोई कोई भी ले, तो हम क्या कर सकते, अच्छी चीजें शेयर की जाती, अच्छी चीजें शेयर कर जाती है। अच्छा ऐसा क्यों होता है शशि के लोकसभा चुनाव जब आते हैं सारे मुद्दे अचानक उठने लगते हैं, घूम फिर के बात सांप्रदायिकता पर आ जाती है, वहीं पर चीजें अटक जाती हैं और फिर वोटों का बंटवारा वहां से शुरू हो जाता है, और जो संत समाज है वो भी उस वक्त बहुत एक्टिव हो जाता है। दो सवाल है मेरे, पहला ये कि सांप्रदायिकता पर ही क्यों अटक जाता है, और दूसरा ये कि कहीं संतों की राह कहीं पॉलिटिक्स पर जाकर रुक तो नहीं जा रही है? नहीं देखिए यही तो है ना, सांप्रदायिकता इसीलिए लोग करते हैं, भावनाओं को भड़का करके वोट ले लेना, ये सभी पार्टियां करती है। यही पर संतों का काम है, हम कहते हैं जातिवाद पे, धर्मवाद पे, सांप्रदायिकता पर मत जाओ, अच्छे व्यक्ति को चुन के ले आओ, वो अपराधी ना हो और भ्रष्टाचारी ना हो, ये तो बातें हम कहते आ रहे हैं सब जगह। तो ये जागृति जो है वो संत समाज ही ला सकते हैं, क्यों लोग जानते हैं इनका अपना स्वार्थ कुछ नहीं, वो देश के लिए कह रहे। तो सारा संत समाज साथ क्यों नहीं आ सकता है? आप काले धन की बात कर रहे हैं, बाबा रामदेव काले धन की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। देखिए हम सबका अलग अलग है कार्यशैली, तो हम तो एक निष्पक्ष रूप में रह के हम अपना काम करते हैं। देखिये हम चाहते हैं कि पक्ष में भी विपक्ष में भी सब जगह अच्छे लोगों की जरूरत है, और उनको भी आध्यात्मिकता की जरूरत है। अब आध्यात्मिक लोग सब एक पक्ष की तरफ चले जाए तो बाकी लोग करेंगे क्या, कहां जाएंगे? इसलिए आध्यात्मिक, मेरे हिसाब से आध्यात्मिक लोग निष्पक्ष रहेंगे मगर गाइडेंस जरूर देंगे, भ्रष्टाचारी को, दुराचारी को, अत्याचारी को किसी भी तरह से चुन के आने मत दो, ये तो हम कहते रहेंगे। अच्छा सिर्फ और सबके उद्देश्य यही है, अलग अलग संत अलग अलग तरीके से करते हैं काम, उनके काम करने का ढंग अलग है और होना भी चाहिए। अच्छा क्या श्री श्री रविशंकर किसी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे? ना किसी पार्टी के लिए नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? देखिए हम कह देंगे इस पार्टी को करो, इसका मतलब ये हो गया लोगों का सोचने का और उनका जो अधिकार है वो हम छीन लेंगे, वो नहीं छीनना चाहते। हर एक व्यक्ति का अपना स्वातंत्र है, वो अपना जो अपना मनपसंद चीजें वो चुनेगा। अब गुरु वो के जाके बोलेंगे कि तुमको ये करना चाहिए, फिर वो आज्ञा हो जाती है, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं होगा। केजरीवाल के लिए तो आपने आज्ञा दे दी है, लेकिन नहीं आज्ञा ये नहीं बताया, मगर उनको ये कहा कि देखो ये बात है, क्या जो अनुभवी नहीं है उनको नहीं बिठाना सूक्त है, इतना बताया। आपने एक सर्वे भी करवाया ट्रेन में, हैप्पीनेस सर्वे करके, वो उस सर्वे के सवाल जो थे चौथे के बाद वो सर्वे के सवाल बिल्कुल पॉलिटिकल हो गए थे, यूथ बहुत वहां पर थे उसमें, उन सबको इस बारे में पूरी जानकारी थी। सबसे पहला सवाल जो ये था कि पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर, गवर्नेंस को लेकर आपको क्या लगता है, आप इससे सहमत हैं नहीं हैं? श्री श्री रविशंकर आज के हालात से सहमत हैं ना? वो बात तो लोगों से जानना चाहते थे ना, हम गांव-गांव में लोग खुश है कि नहीं। देखिए एक तो दिखता है लोग बोलते हैं, मगर जब सर्वे के माध्यम से निकल आएगा वो ठोस हो जाता है, वो स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने वो दो प्रश्न भी उसमें लगाया कि आप खुश है क्या सरकार की रीति रिवाज से, अपने छोटे लेवल पर, अपने म्युनिसिपल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल, कहां पर आपको तकलीफ आ रही है, भ्रष्टाचार को लेकर या किसी और बात को लेकर? तो ये सर्वे सबके लिए यूजफुल रहेगा, सबका आंख खुल जाएगा इसे। आज की पॉलिटिकल हालात पर श्री श्री रविशंकर का क्या नजरिया है? मैं इसको बहुत बिगड़ा हुआ देख रहा हूँ। गुस्सा आता है?
बहुत बिगड़ा हुआ दुख होता है हमको इसको देख के, और दुख होता है साथ में जोश भी आता है कि हम सबको मिलकर कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए। आपको क्या लगता है लोग वाकई साथ आ रहे हैं? और फिर वो मेरा सवाल जो मैं हर बार आपसे करती रही हूँ, ये गुरु के खौफ में या गुरु के प्यार में आ रहे हैं कि गुरु ने कह दिया इसलिए करना है, या आपको लगता है कि नहीं त्रस्त है और बदलाव लाने के अब हक में आ चुके हैं? नहीं त्रस्त है, अब तो दिख रहा है ना लोगों को, इसीलिए सर्वे कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कितने लोग किस बात से त्रस्त है। अब कोई दुखी है तो किस लिए दुखी है ये भी पूछ रहे हैं ना, घर की वजह से, महंगाई की वजह से, आर्थिक परिस्थिति की वजह से, या आपसी संबंध की वजह से, ये सब इसीलिए वो सर्वे में इतना सोच समझ के सारी पॉइंट्स आ गए, व्यक्तिगत और समाज के अंतर्गत जो भी है सब बातें आ गई। अच्छा जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आखिरी दो, इसकी इजाजत दे दीजिएगा बस। पहला ये कि आप आम आदमी को उनको शांत रहना सिखाते हैं, जिंदगी जीने का नजरिया बदलना सिखाते हैं, आप इन नेताओं की जमात को लेकर एक आध क्लास क्यों नहीं कर लेते हैं? वो आए तो कोई उनको भेजे तो हम कर लेंगे उनके लिए भी। और वोट फॉर बेटर इंडिया कैंपेन के लिए एक बार फिर से श्री श्री रविशंकर देश को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वोट फॉर बेटर इंडिया में ये कहता हूँ कि सब 100% वोट मतदान दो, उदास होके घर में नहीं बैठना, और अच्छे लोगों को चुन के आना, चुनने से पहले देखना इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और करप्ट तो नहीं है, और केंद्र में ऐसा खिचड़ी ना आए, एक मजबूत सरकार आए, उसके लिए आप सब लोग काम करो, ये कहते हैं। नहीं तो क्या होता, खिचड़ी बन जाता है केंद्र में, तो वो कोलिशन धर्म को लेके फिर अपने ये करप्शन बना रहता है। किसी एक पार्टी को वोट दिया जाए, किसी एक पार्टी को मजबूत करिए केंद्र में, ताकि वो आके पूरा अपना काम वहाँ कर सके। इशारा भी नहीं करेंगे किस पार्टी की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्री रविशंकर हमारे साथ मौजूद थे। कुछ भी कहिए, एक बात तो समझ में आ गई है, वो ये है कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, बदलाव हम में लाना जरूरी है। तो कुल मिलाकर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सोचेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। देखते रहिए जी न्यूज़।